नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। फुलेरा जंक्शन के लोको सेड में रेलवे की आपदा पर एनडीआरएफ और रेल कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। लोको सेड में सवारी गाड़ियों पर काल्पनिक दुर्घटना का दृश्य बनाकर सायरन बजने के साथ एनडीआरएफ कर्मचारी राहत कार्य में जुट गए। जयपुर मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन ने बताया, समय समय पर रेल आपदा पर मॉक ड्रिल की जाती रही है, जिससे आपदा के समय त्वरित कार्य कर लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सके। वहीं एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट योगेश कुमार मीणा ने बताया कि अजय कुमार तिवारी के निर्देशानुसार टीम ने ये प्रायोगिक प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के समय मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन के साथ उच्चाधिकारी व रेलवे सुरक्षा बल तैनात रहा। का एक्सीडेंट हो जाए और उसमें हमारे यात्रीगण भी हताहत हो जाए तो उनको जल्दी से जल्दी इसमें से निकालना, उनकी जान बचाना और उनको अस्पताल पहुंचाना, उनको चिकित्सा उपलब्ध कराना, ये जो एक्सरसाइज है पूरी, ये रेलवे बोर्ड के द्वारा इसका एक पूरा एक प्लानिंग की जाती है कि किस समय कहां पर होनी है। हमारी ये 6वीं वाहन है जो बड़ोदरा में इसका हेडक्वार्टर, उसके कमांडेंट श्री अजय कुमार तिवारी के निर्देशन अनुसार और रेलवे के मॉक ड्रिल कैलेंडर के आधार पर आज जयपुर डिवीजन की फुलेरा में जगह निर्धारित करके ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न एजेंसियों ने भाग लिया, जिसमें सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आरपीएफ, आरएसी और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये सभी मीटिंग क्यों करवाई जाती है, ये ड्रिल क्यों करवाई जाती है, ड्रिल सिर्फ इसलिए करवाई जाती है जिससे कि आपस में सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन रहे, कम से कम टाइम में मैक्सिमम विक्टिम्स को इवैक्यूएट कर सकें और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज कर सके, बचा जा सके। फुलेरा में श्री रामनगर विकास समिति की ओर से नए थानाधिकारी रघुवीर सिंह राठौड़ का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी राठौड़ का समिति संरक्षक डॉक्टर पुखराज स्वामी, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज आहूजा, महेश दादीज व अध्यक्ष अशोक वासुदेव की अगवानी में साफा व माला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान संरक्षक महेश दादीज ने कहा कि थाना क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम के साथ साथ पीड़ितों को राहत दिलाने में अपना योगदान देंगे। इस स्वागत अवसर पर श्री रामनगर विकास समिति पदाधिकारियों व सदस्यों सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ही हमारा सहयोग करोगे तो हम कुछ नया कर पाएंगे, क्राइम में कंट्रोल कर पाएंगे। क्राइम में आप लोग सहयोग करोगे तो अपराधियों पे अंकुश लग पाएगा। तो मैं तो यही आशा रखूँगा आप लोगों से कि आप हमारा सहयोग करें, विशेष तौर से क्राइम के लिए। यहाँ आसपास क्राइम ज़्यादा सुना है मैंने, काफ़ी होता है। जैसे वहाँ से मैं पहले आया हूँ नरणा में, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा, उनके सहयोग से हमने बहुत अच्छे से काम भी किए हैं। धौलपुर जिले में भले ही बदमाशों का धरपकड़ अभियान जोरों पर चल रहा है, लेकिन अवैध खनन के मामले फिर भी नहीं रुक रहे। यह चंबल नदी से बजरी ले जाते ट्रैक्टरों को किसी भी रास्ते से गुजरते देखा जा सकता है। वहीं चंबल बजरी का ढांग और ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह स्टॉक किया जाना लगातार जारी है। दूसरी ओर अवैध खनन की बात करें तो सरमथुरा क्षेत्र में जंगल में अवैध खनन की माइंस संचालित है। बड़े स्तर पर संचालित इस अवैध खनन को रोकने के लिए जंगलात विभाग कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। फुलेरा कस्बे के परशुराम सर्किल से नरेना जाने वाले मार्ग पर नगरपालिका की अनदेखी के चलते वार्डों से निकलने वाला गंदा पानी तालाब का रूप लेता जा रहा है, जिसमें डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियों के लार्वा भी पनप रहे हैं। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की मुख्य सड़क भी कॉलोनियों का गंदा पानी आने के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। समय रहते अगर संबंधित विभाग इसकी सूद नहीं ले पाए तो बारिश के मौसम में आवागमन तो अवरुद्ध होगा ही, साथ ही हादसे होने का खतरा भी मंडराता रहेगा। जयपुर के सांबर कस्बे के श्री दादू साधना धाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार दादू साधना धाम के महंत अर्जुन दास महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दादू साधना धाम पर भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा भी की जाएगी। ये सभी कार्यक्रम सरकार द्वारा घोषित कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किए जाएंगे। आपको बता दें कि श्री दादू साधना धाम में भक्तों की गहरी आस्था है। भक्त दूर दराज में सांबर स्थित दादू मंदिर दर्शन करने आते हैं। खबर जयपुर के सांबर क्षेत्र से है, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंदी पर नजर आ रहे हैं। कस्बे में एक ही रात में कई दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। एक रात में इतनी दुकानों के ताले टूटना कहीं ना कहीं आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर के विपरीत नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार कस्बे के 5-32 नए बस स्टैंड पर करीब 1 दर्जन दुकानों के ताले टूटे हैं। चोरों द्वारा सब्जी व कचौरी समोसे बेचने जैसी छोटी दुकानों को भी अपना निशाना बनाया है। पीड़ित दुकानदार प्रेम ने बताया कि उसकी दुकान में रखे गल्ले
से सार्वजनिक प्याऊ के मटकों में पानी भरने के लिए चंदे से एकत्रित किए गए 1100 रुपए भी चोर ले गए। वहीं कस्बे के मुख्य मार्गों पर लगे कैमरे भी काफी समय से बंद है, जिससे अपराधियों में डर खत्म हो गया है। वहीं पुलिस ने मौका मुआयना कर जाँच शुरू कर दी। जयपुर के सांबर स्थित जीवनधारा कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या विराट रूप लेती नजर आ रही है। इस कॉलोनी में काफी समय से पानी की समस्या व्याप्त है। समस्या के बारे में कॉलोनी वासियों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत भी करवा दिया है, पर अभी तक इसका कोई समाधान नहीं होने से कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त है। वहीं कॉलोनी वासियों ने सहायक अभियंता के नाम ज्ञापन देकर कहा, यदि शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कॉलोनी वासी धरना व आत्मदाह जैसा कदम उठाने को विवश हो जाएंगे। खबर दौसा से है, जहां उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा इन दिनों गंदगी का साम्राज्य बनता जा रहा है। कस्बे की नालियों की कई माह से सफाई नहीं होने से यहां की नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। वहीं पानी निकासी नहीं होने से जगह जगह पानी का भराव सड़कों पर बना हुआ है। साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच घनश्याम खटीक कस्बे की सफाई करवाना चाहते हैं, मगर सफाई कर्मियों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत की माने तो सफाई कर्मी 3 घंटा कार्य करने के 300 रुपए मांगते हैं, जो ग्राम पंचायत सिस्टम के खिलाफ है। वहीं सफाई कर्मियों की मनमर्जी के चलते कस्बे की नालियां कई माह से गंदगी से भरी पड़ी हैं, जिससे कई बीमारियों का अंदेशा बना हुआ है। वहीं सरपंच ने कस्बे वासियों से अपील करते हुए सफाई कर्मियों को समझाइश करने की मांग की है। सफाई कर्मी यहाँ स्थायी सफाई कर्मी है, जो अपनी मनमर्जी करते हैं। वो काम करने के इच्छुक नहीं है, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करना चाहते हैं। जबकि हम हमारे जो सिस्टम है हमारा कार्य करवाने का, उसमें कम से कम 8 घंटे मजदूर काम करे, और जितने मजदूर करते हैं जितना काम उतना दाम, उसी के हिसाब से जिस काम हो ना पूरे 8 घंटे काम होना चाहिए। कम से कम 4-5 ट्रॉली कचरा डेली का वहाँ से कचरा उठा के दूसरे स्थान पर बाहर गांव के पूरी आबादी से बाहर डालना होता है, तो वो उसमें मनमानी करते हैं, हमारे हिसाब से काम नहीं करना चाहते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।